रॉकेट स्टार स्टूडियो। फर्स्टली आपको राम मंदिर के लिए बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये पर्सनली मेरे साथ भी बहुत ज्यादा रिलेट करता है, मेरी फैमिली के साथ भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस चीज के लिए। मेरे फादर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी राम का प्ले रोल करते थे रामलीला में, और मुझे तो ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझे ये कॉन्सेप्ट अपनी अकेडमी में अपने किड्स के साथ सेलिब्रेट करना ही करना। तो हमने एक छोटी सी डांस परफॉर्मेंस बच्चों को रेडी करवाई, जो कि बच्चों ने बहुत ही अच्छी की, सबने बहुत हार्डवर्क किया, और मैंने बच्चों के साथ ये चीज़ सेलिब्रेट की है। और मेरे फादर और मेरी पूरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है इस चीज़ को कि मैंने स्पेशली इस चीज़ को अपनी अकेडमी में सेलिब्रेट किया है। और मैं तो यही बोलूंगी कि आप जहां पे भी हैं, जैसे भी बैठे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हो रही है, उसके रिलेटेड ही आज नीतिका शर्मा मैम ने प्रोग्राम करवाया था, जो बहुत अच्छा था। बच्चों में बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थे बच्चे प्रोग्राम करने के लिए, और वो वैसे भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज करवाते रहते हैं और प्रोग्राम भी करवाते रहते हैं, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है करने के लिए। मैं चाहती हूँ, मेरी बेटी तो पिछले एक साल से यहाँ पे आ रही है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को यहाँ भेजो, बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 22 जनवरी को राम मंदिर में राम मूर्ति की स्थापना हो रही है, और उसी स्थापना के ऊपर हमने एक छोटी सी डांस परफॉर्मेंस रेडी की है, जो हमें नीतिका मैम ने कराई है। तो आशा करते हैं आपको हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। जय श्री राम।